चली जाइए यहाँ से, चली जाइए यहाँ से, इस घर की चौखट पर, इस घर की चौखट पर, इस घर की चौखट पर दोबारा कदम मत रखना, दोबारा कदम मत रखना, भूल जाना, भूल जाना कि आपकी कोई बेटी थी, कि आपकी कोई बेटी थी। अरे चीखो मत लक्ष्मी, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यही चाहती हो ना तुम, अपने आप को सजा देना चाहती हो ना, फिर क्या जरूरत है सब करने की तुमको? आप नहीं समझे कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? अच्छा ओके, तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम पर क्या बीत रही है? बेवकूफ हो तुम, तुमको ऐसा लगता कि मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर कोई समझ नहीं पा रहा है ना तो वो तुम हो। अरे जिसे बदला नहीं जा सकता है उसके लिए तुम आंसू क्यों बहा रही हो? अपने बापू को घर से बाहर निकालने का मतलब ये अंग जी कि मैंने उन्हें चोर समझ लिया, जबकि मेरा मन चाहता है मेरे बापू ने चोरी नहीं की। अरे अगर ऐसा था, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी शक था, जरा सा भी कंफ्यूजन था, तो जाने क्यों दिया अपने बाबूजी को घर से बाहर? बल्कि उनको रोकना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था कि बात क्या थी। खैर अब जो हुआ सो हुआ, ये सब रोना धोना छोड़ो। अभी हमें यह तय करना है कि तुम्हारे बाबूजी को बेकसूर कैसे साबित किया जाए, और एक बार इज्जत से इस घर में कैसे वापस लाया जाए। थैंक यू अंगद जी, हमेशा इस तरह मेरा साथ देते रहना। लक्ष्मी तूने अपने बापू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? इस तरह उनका अपमान करके घर से निकाल दिया उन्हें क्यों? हाँ लक्ष्मी, मैं कुछ पूछ रही हूं, जवाब दे लक्ष्मी, क्या हो गया तुझे? मैंने खुश होकर ये सब कुछ नहीं किया माँ, मैं शोभना माँ के पास गई थी, उन्होंने मुझे बोला। लक्ष्मी मैं अभी अभी विजय से बात कर रही थी ना, वो बहुत अपसेट लग रहे थे और बस वो घर आ रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो कैलाश भाई को धक्के मार के घर से ना बाहर निकाल दे। नहीं नहीं माँ, नहीं ऐसा मत होने देना माँ, पापा से नहीं कर पाएंगे। एक काम कर, तू जाकर कैलाश भाई से कह दे कि विजय के घर आने से पहले वो यहाँ से चले जाए। इसीलिए माँ, बापू का बड़ा अपमान होने से बचाने के लिए मुझे उनका अपमान करना पड़ा। बोलो ना माँ, मैंने सही किया ना? कावेरी, हर्षुक भाई की तबीयत में सुधार तो है? आपने लक्ष्मी को ऐसा करने को क्यों कहा?
क्या करने को कहा मैंने? किस बारे में बात कर रही हो तुम कावेरी? आप अच्छी तरह जानती है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपने लक्ष्मी को क्यों कहा कि वो कैलाश भाई को यहाँ से भेज दे? अरे वो इसलिए कावेरी कि कैलाश भाई की और बेइज्जती ना हो। अब देखो ना, जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस घर में हर कोई कैलाश भाई को सवालिया नजरों से ही देखता। ये बात आप सीधे सीधे भी कह सकती थी, आपने विजय भाई का बहाना क्यों बनाया? जहां तक मैं विजय भाई को जानती हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। कावेरी, विजय को तुमसे मैं अच्छी तरह जानती हूं, वो मेरे पति हैं। जानती हो तुम्हारी समस्या क्या है? तुम अपने आप को बहुत समझदार समझती हो। तुम ये समझती हो कि तुम सबको जानती हो और सबको अच्छी तरह पहचानती हो, इसीलिए बार बार बिना वजह मेरे परिवार के मामलों में दखल देती हो। अरे मैं जानती हूं कि विजय आग बबूला हो जाते ना तो कैलाश भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। मैं तो बस बस तुम्हें सिर्फ अपनी महानता साबित करना आता है कावेरी। मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया, फिर भी मैंने लक्ष्मी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया, लेकिन अब भी तुम ऐसे बर्ताव करती हो जैसे तुम ही उसकी सास हो। देखो कावेरी, मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए किसी को सफाई देनी पड़े। बेहतर यही होगा कि तुम अपने परिवार और अपने पति को संभालो। मेरे परिवार के मामले में अपनी नाक अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा आपने, मैं तो भूल ही गई थी कि अंगद मेरा सगा बेटा नहीं है, ना ही लक्ष्मी अब मेरी बहू है। मैं तो सोचती थी कि इस घर में सारे बच्चे मेरे ही हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन जाते जाते एक बात फिर से कह देती हूं, आपने जो किया वो सही नहीं था। पड़ गई मेरे दिल को ठंडक, पड़ गई एक तीर से दो शिकार। लक्ष्मी को तो करारी चोट पहुंची ही, और तुम्हें भी अपनी औकात याद दिला दी मैंने। हिमादेव, इनको तो बुखार है। अंगद जी छोड़िए ना, आपको बुखार है, मैं दवा लेकर आती हूँ। कहीं मत जाओ लक्ष्मी, बस मेरे पास बैठे रहो। अंगद जी कैसा बचपन है, मैं दवा लेकर आती हूँ ना, आप दवा खा लीजिए फिर बैठ के बातें करेंगे। हाँ, एक सच बताऊं लक्ष्मी, बोलिए। लक्ष्मी मैं कई बार झूठा दिखावा करता हूं, अब जब तुम रो रही थी तो मैं शांत होने का, ब्रेव होने का दिखावा कर रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तुम्हें कैसे संभालूं, तुम्हारे दर्द को तुमसे कैसे छीन लूं। लक्ष्मी मैं जैसे बात करता हूं
जैसे रिएक्ट करता हूँ, लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या फिर अंगद के पास हर मुश्किल का हल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी कई बार बहुत कमजोर महसूस करता हूँ, मैं भी बहुत जज्बाती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन मैं अपने इस अंदर छिपे अंगद को किसी के सामने नहीं आने देता। और आज पता नहीं कैसे तुम्हारे सामने आ गया। शायद ये बुखार का असर है। अंगद, क्या बात है विजय, क्यों चिल्ला? अंगद जी, डैड निशा, क्या हो डैड, क्या बात है, क्या लगता है तुम्हें, मैं मर गया हूं या जिंदा हूं? चुप मत रहो अंगद, मुझे जवाब दो, मैं मर गया हूं हां कि मुझे पूछे बगैर बिजनेस के सारे डिसीजन तुम लेने लगे? पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। गुस्सा ना हूं मैं, आजकल तुम अपने हिसाब से सब करने लगे। हां बिजनेस में मुझे पूछे बगैर क्लाइंट को यह कहते हो कि तुम जो भी फैसला लोगे वो मुझे मंजूर होगा। रिलैक्स, मैंने बस एक बिजनेस डील के लिए आपको कंसल्ट नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था। मुझे लगा कि ये अपने बिजनेस के फायदे के लिए ठीक है। यही प्रॉब्लम है मेरी कि तुम्हें जो सही लगता है वही करते हो तुम। मालूम है तुम्हें तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया हमें? मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफिसर को कमीशन न देने का फैसला तुमने क्यों लिया? मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सही लगा। और गलत हुआ उसका क्या बताओ, मुझे गलत हुआ उसका क्या? मालूम है तुम्हें, बिल पास नहीं होने दिया उन्होंने हमारा, लाखों रुपए का नुकसान हो गया हमारा। और लाख रुपया कैसे कमाया जाता है मालूम है तुम्हें? सही कह रहा है, मुझे नहीं पता कि 1,00,000 रुपए कैसे कमाए जाते, मगर रिश्वत देना इलीगल है और 1,00,000 रुपए गैर कानूनी ढंग से कमाए जाए मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। शट अप, शट अप। तुम्हारे इन आदर्शों की वजह से जिंदगी नहीं चलती है अंगद। अगर व्यापार में कुछ सही है तो वो है मुनाफा, और हर वो चीज जिसे घाटा होता है वो गलत। इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें? आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग में बहुत फर्क है पापा। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन रिश्वत ना देके मैंने कोई गलती नहीं की। देखा, देखा इसे, ये है जिसको पढ़ने के लिए विदेश भेजा, अरमानों से पाला, सपने देखे जिसके लिए, और बदले में मिला क्या? तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। मिस्टर अंगद पुरोहित, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं होती है, फिर भी बिना बताए तुम उसे हेल्प करने या उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने क्यों चले जाते हो? देखो, मैंने तुम्हारे साथ सारे पर्सनल रिलेशन तो तोड़ दिए हैं, और सच तो यह है कि बिजनेस में अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता, सारे बंधन तोड़ देना चाहता हूं। जानते हो क्यों? सच यह है कि तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर सिंपली वर्थलेस।
लक्ष्मी के साथ न्यूजीलैंड जाना, लक्ष्मी के साथ न्यूजीलैंड हमेशा हमेशा के, हमेशा हमेशा के। कहा ना मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं फर्स्ट हाफ ठीक होगा। एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी उनके साथ मीटिंग कल बहुत जरूरी है, समझ गए? या ओके बाय। ये क्या हो गया है तुम्हें विजय? तुम अंगद के साथ इस तरह कैसे बात कर सकते हो? शोभना जो जिस लायक होता है उसके साथ वही होता है, अंगद जो डिजर्व करता है उसके साथ वही हुआ। विजय अंगद हमारा बेटा है। वही तो वो भूल गया है कि मैं उसका बाप हूं। मेरे ही खून ने मेरे विश्वास का खून किया है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात में तुम बीच में ना बोलो। मैंने तुम्हारे साथ सारे पर्सनल रिलेशन तो तोड़ दिए हैं और सच तो यह है कि बिजनेस में अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता, सारे बंधन तोड़ देना चाहता हूं। जानते हो क्यों? तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर सिंपली वर्थलेस। बाबूजी को आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं ना, गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं वो, लेकिन दिल बहुत नरम है उनका। अरे पिता है वो आपके, आपसे गुस्सा होना उनका अधिकार है। उनकी बातों को अपने दिल से मत लगाइए। सही कहा तुमने, मेरे पिता होने के नाते उन्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करना मेरी ड्यूटी। और लक्ष्मी, बात सिर्फ डांटने तक की नहीं है, आज जो उन्होंने किया ना, मुझे रियलाइज हो गया कि उनकी नजरों में मेरी क्या कीमत है। सच ये है कि तुम किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं। You are simply worthless. मैं लक्ष्मी के साथ न्यूजीलैंड जाऊं, लक्ष्मी के साथ न्यूजीलैंड हमेशा हमेशा के, हमेशा हमेशा के। शोभना इसे कह दो कि इसके मुंह से मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता और उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता, वो जा सकता है यहां से। मैं जानता हूं आप मेरा चेहरा देखने के मूड में नहीं है, मैं आपको सिर्फ थैंक्स कहने के लिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे मेरी हैसियत समझा दी। आज मुझे एहसास हो गया है कि आपकी नजरों में मेरी क्या कीमत है, और जब आपकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है तो दुनिया वालों की नजरों में मेरी क्या कीमत होगी। और मैं ऐसी वर्थलेस जिंदगी जीना नहीं चाहता। ये क्या कहे जा रहा है तू? नहीं मॉम, अगर मेरे पिता को लगता है कि मैं उनकी जिंदगी उनके बिजनेस का कोई हिस्सा नहीं बन सकता तो ठीक है, पर मैं इस घर में इस हालत में नहीं रह सकता।
मैं लक्ष्मी के साथ न्यूजीलैंड जाऊंगा, लक्ष्मी के साथ न्यूजीलैंड हमेशा हमेशा के।